बैक अगेन टू माई अनदर वीडियो। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम डेली हेयर ऑयल क्यों नहीं कर सकते? अब उसका एक जो मेजर रीज़न वो ये है कि अगर हम डेली हेयर ऑयल करेंगे तो हमें डेली हेयर वॉश करना होगा और बिना शैम्पू के बालों से ऑयल नहीं निकलता है। और अगर आप ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक भी अगर आप शैम्पू यूज़ करते हो डेली बेसिस पे, तो वो आपके बालों के लिए ही नहीं बल्कि आपके स्कैल्प के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए कहा जाता है कि हफ्ते की दो दिन आप लोग को शैम्पू एंड ऑयलिंग बाय हुक एंड क्रूक करना है। बट यहाँ पर तो हमसे डेली की हेयर ऑयलिंग तो दूर की बात है, हम हफ्ते की दो बार हेयर ऑयलिंग भी कर ले वो भी बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम महंगे से महंगे हेयर ऑयल में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारे बाल प्रॉब्लम फ्री हो जाए। लेकिन बालों से प्रॉब्लम को दूर करने का जो बेसिक रूल होता है हम उसी को फॉलो नहीं करते, और वो ये होता है कि हफ्ते के दो दिन आपको करना है ऑयलिंग, शैम्पू, कंडीशनर और मास्क अप्लाई करना है, सिर्फ हफ्ते के दो दिन। और मैं अपने मोस्टली जो मेरे हेयर ब्लॉग्स होते हैं मैं उसमें कहती हूँ कि हफ्ते के दो दिन आप ये सारी चीज़ें करो। आपको हर चीज़ में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें DIY के थ्रू ही ठीक हो सकती है, स्पेशली हेयर ऑयल। हेयर ऑयल एंड हेयर मास्क एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने बालों के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसे वेरिएशन कर सकते हो, हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, अगर आपके दो हुए बाल हैं उसके लिए भी। मैंने ऑलरेडी चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियो बना के रखे जिसमें मैंने DIY में हेयर ऑयल बनाया और रियल में वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि हम बनाएंगे विटामिन ई का हेयर ऑयल बनाएंगे। इसे हमें प्रिजर्व नहीं करना है, हमें इसे ताबड़तोड़ यूज़ करना है। विटामिन ई हमारे स्कैल्प की हेल्थ को सपोर्ट करता है, ये बालों को रिग्रोथ करने में हेल्प करता है, बालों को नरिश करता है और इसके अलावा बहुत सारे इसके बेनिफिट है। अब इसे बनाना कैसे वो तो आपको वीडियो देखना होगा लास्ट तक, और उसके साथ मैं इस ऑयल के ना बेनिफिट भी शेयर करती जाऊंगी ताकि आपको पता चलते रहे कि आप इसे जो यूज़ कर रहे हो इसके आपको अब आपके बालों पे कितने फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेक श्योर अगर आप इस चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो टेक अ मिनट और चैनल को करें सब्सक्राइब। उसके अलावा बेल आइकन को हिट करके ऑल के बटन पर प्रेस करें। इससे होता यह है कि आने वाले फ्यूचर में मेरे सारे शॉर्ट्स और कम्युनिकेशन पोस्ट सबसे पहले आप तक पहुँचते। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने के लिए, तो उससे पहले मैं कर रही हूँ ऑयलिंग। मोस्टली मैं ऑयलिंग करती हूँ नाइट टाइम में, बट अभी टाइम नहीं था इसलिए मैं डे टाइम में कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे ऑयल, ये अनफिल्टर ऑयल है जो मेरी दीदी घर के पास से मिली थी। कोकोनट ऑयल के बेनिफिट सबसे ज़्यादा हमारे स्कैल्प पे देखने के लिए मिलते हैं, ये हमारे रूखे बालों में जान पैदा करते हैं, बालों को मॉइस्चराइज करते हैं। कोकोनट ऑयल ईजिली हमारे बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये जब हम इसे लगाने के बाद हम शैम्पू करते हैं तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं हमारे बाल, और ये हमारे बालों को ना कंडीशनर भी करता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी कटोरी ले रही हूँ क्योंकि हम इसे हीट करेंगे। इफ़ यू वांट आप लोग इसे अपने ओवन में भी इसे हीट अप कर सकते। अब मैं लूँगी विटामिन ई के दो कैप्सूल, अगर आप चाहो तो एक ले सकते हो, बट मैं चाहती थी कि विटामिन ई से ज़्यादा बेनिफिट मेरे बालों पे देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एवियन 400 के दो कैप्सूल ग्रीन वाले। ये हमारे बालों की हेल्थ जो स्कैल्प होता है ना इसकी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो असिस्टेंट करते हैं हमारे बालों के हेयर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। ये विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब मैं दोनों को कट करके ना उसी ऑयल में इसे डाल दूँगी और हम इसे हीट अप करेंगे हमारी गैस पे। हीट अप मतलब हमें इसे पकाना नहीं है, इसे हल्का सा हमें कुनकुना सा गर्म करना है, जैसे कि मैं 2 सेकंड के लिए कर रही हूँ क्योंकि स्टील का बर्तन है जो जल्दी से गर्म हो जाता है। बस अब इसे हल्का सा ठंडा होने दें और अप्लाई करें अपने पूरे बालों में, अपने स्कैल्प से लेकर आपके पूरी लेंथ पर। इसे एटलीस्ट 2 घंटा छोड़ दें, 2 से 1 घंटा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम इसे यूज़ करें, या अगर आप चाहो तो आप इसे रात भर के लिए अपने बालों पर लगाए रख सकते हो, इसके ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं इसे 2 ही घंटा अप्लाई करूँगी। मैं इसे मॉर्निंग में लगा रही हूँ और आफ्टरनून में इसे वॉश कर लूँगी। तो इसे अच्छे से अप्लाई करें अपने बालों में, इसे एब्जॉर्ब होने दें। वैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऐसे में ये वार्म जैसा हमारे बालों के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल देता है। हमारे बालों में एक सर्कुलर मोशन से जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमारा ब्लड फ्लो भी होने लगता है। तो हम इसे अप्लाई करेंगे और वेट करेंगे 2 घंटे के बाद का। तो ये था हमारा विटामिन ई का हेयर ऑयल। आई मस्ट से गाइस इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, यू शुड ट्राई वंस। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कोई सलूशन चाहिए तो यू कैन DM मी और नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगी आपकी प्रॉब्लम पर। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ये अपना ध्यान रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।